हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी वाले लोग बढ़िया होंगे। और आज है 9 अप्रैल, 9 अप्रैल की मॉर्निंग की अभी बज रही है भैया 5:30। ठीक है, आज तुम्हारा भाई आ चुका है दिल्ली से वापस, और अभी हम जा रहे हैं दीदी लोगों के यहाँ दुकान में। हम सामान रख के आ चुके हैं, शॉप में सामान रख के आ चुके हैं। किस चीज की शॉप है तो वो आपको जिस दिन आराम करके वापस दुकान में जाएंगे जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन आपको जरूर बताया जाएगा किस चीज की शॉप है। चलिए देखते हैं दोस्त डेली रूटीन ब्लॉग में क्या होता है। 2 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया है, अपन तो एक ही ड्रेस में देखो परसों गया था दिल्ली। हेलो दोस्तों, अभी दिन की 11 बज रही है और एक चीज बताना भूल गया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, वो अपना आशीर्वाद हम सब लोगों पर बनाए रखे, हम अपने जीवन में खूब उन्नति करें और खूब आगे बढ़े। मॉर्निंग में मैं भूल गया था, दिमाग में तो था कल, लेकिन मॉर्निंग में एकदम जैसे ट्रैवल करके आया दिमाग में था ही नहीं कि यार नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। भाई आज नवरात्रि का पहला दिन है तो तुम्हारे भाई का भी उपवास है। अभी फिलहाल मैं आया हूँ शॉप में, मैंने आपको बताया था दीदी लोग एक छोटा सा स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये है शॉप जो अभी बन रही है, तैयार हो रही है, और जल्द ही आपको बता दूंगा मैं किस चीज़ की शॉप है। ठीक है, अभी 11 बज रही है, अभी चलेंगे फिर घर 12 बजे तक, थोड़ा यहाँ पर साफ सफाई करते हैं उसके बाद चलते हैं। ओके हे दोस्तों, तो अभी तुम्हारा भाई पहुँच चुका है घर और 3:30 हो चुका है टाइम। अब जो पढ़ाई है वो शाम को ही शुरू करेंगे। ओके, अभी मैं यूट्यूब से ही गौरव सर की वीडियोज़ देख रहा हूँ और बाकी अपनी बुकों से जो पढ़ेंगे वो अब से हमको ही पढ़ूंगा। अभी थोड़ा नींद भी आ रही है तो लेटे लेटे यूट्यूब से वीडियोस ही देख रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इवनिंग से शूट करूँगा। ओके, हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी इवनिंग की 5 बज रही हैं, थोड़ा वीकनेस भी आ रही है क्योंकि आज उपवास रखा है तो थोड़ा होता है जब खाना ना खाओ तो हल्का सा असर तो देखने को मिलता है। तुम्हारा भाई छत पे आया परीक्षावाणी को लेके, थोड़ा परीक्षावाणी का रिवीजन करते हैं बैठ के यहाँ पर 5-6 बजे तक, क्योंकि इवनिंग का जो मौसम है बहुत बढ़िया मौसम रहता है, एकदम हवा चलती है बढ़िया वाली, धूप तो है पर ज़्यादा नहीं है, कमी है, तो रिवीजन करते हैं पहले। हैं हे दोस्तों, तो अभी 7:30 बज चुकी है और अभी पहले पढ़ते हैं जब तक खाना बन रहा है, उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे और अपना जो उपवास है वो तोड़ेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल तब तक रिवीजन करते हैं बढ़िया से। हे दोस्तों, अभी 8:30 बजने वाली है और पूजा का टाइम हो चुका है तो पूजा करते हैं। ओके, तो गाइस हमारे रोहित भाई ने आज नवरात्रि का व्रत रखा है, पहले नवरात्रि है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रि की। जोर से बोलो जय माता दी। बैसाखी लगने वाली है, तो दोस्तों अपनी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और उपवास भी पूरा हो गया, और मैं माता रानी से यही प्रार्थना चाहूँगा कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बना कर दे। जय माता दी। दोस्तों अभी 11 बजने वाले हैं और अभी तक तुम्हारा भाई पढ़ रहा था GSG के, ये लूसेंट की बुक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली, एक थ्योरी टाइप में आती है एक है ऑब्जेक्टिव वाली, तो ये ऑब्जेक्टिव वाली अभी मैं कर रहा था। जिस चीज़ को मैं थ्योरी में पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करता हूँ, ताकि जिससे मुझे अच्छे से चीज़ें याद हो जाए, तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार नींद आने लग गई मुझे, थोड़ा आज उपवास भी था तो इसलिए हो सकता है, खाना खाया तो अब आराम मिल रहा है और नींद भी आ रही बड़ी जल्दी आ रही, शायद 1/2 घंटे के अंदर ही अब मैं सो जाऊँ। कल है 10 अप्रैल और ब्लॉग जो अपना डेली रूटीन है उसमें होगा चेंज, आज के डेली रूटीन ब्लॉग को करते हैं यहीं पे,
एंड एक और चीज़ आप लोगों से कहनी है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आप सभी की प्यार और सपोर्ट से आज मेरे 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आप सभी, लव यू ऑल।